सरपंच का रास्ता बना रहा है, रास्ता काट रहा है सरपंच, अधिकारी आंख मीच कर अब तक कोई हादसा होगा हम उनसे गुत्ते तो सरकार नु कहती तुम कानून हाथ में लेते हो। अब उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया जो रास्ता काटा है। बात अंदाज देखो जुबान बात आज तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है लक्ष्मणगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत सहदका के रोनिजा पहाड़ गांव में, जहां पर दोस्तों कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं। ग्रामीणों का जो आरोप है, हमें सूत्रों से पता चला है कि जो इनका आरोप है कि जो नरेगा का जो स्टाफ है उन्होंने हमारे साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। जो गांव के लोग हैं, गांव के मजदूर हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से यहां रोजगार होना चाहिए था। जो नरेगा का काम है वो गांव के मजदूरों के द्वारा करवाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए गांव के मौजूदा साथी जुड़े हैं, गांव के लोग जुड़े हैं, मजदूर जुड़े हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कहां तक इसमें सच्चाई है और क्यों ये काम इस तरीके से करवाया गया है। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मौसम दीन है। मौसम भाई, कहां के रहने वाले आप? मैं गांव रोनिजा पहाड़ का रहने वाला हूं। रोनिजा पहाड़ के रहने वाले? हां जी। तो यहां पर जो काम हुआ है नरेगा का जेसीबी के द्वारा, इसमें कहां तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि ये काम 3 तारीख को रात को इन्होंने शुरू किया था। अच्छा। उसके बाद ये 4 तारीख को कर रहे थे, लगभग काम कंप्लीट होने को था। अच्छा। तब इनसे पूछा गया कि भाई ये काम नरेगा का है, अच्छा, आप इसको जेसीबी के द्वारा क्यों कर रहे हो? अच्छा। तब इन्होंने इसके साथ इसमें कुछ बदतमीजी की, इन्होंने गाली गलौज की। अच्छा, जो बदतमीजी किसने की थी? इसमें बदतमीजी की थी जेसीबी ड्राइवर ने। अच्छा, जेसीबी ड्राइवर जो ड्राइवर था जेसीबी। हां जी। अच्छा, क्या बोला था उसने? उसने बोला था कि बोला हम ऐसे ही करेंगे, बोला इसको। अच्छा, इसी तरीके से करेंगे? हाँ, इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या अपना माफी अपना दिखा के गांव का जो आगे रास्ता जा रहा है जी, उस रास्ते को इन्होंने बीच से खोद दिया। अच्छा, जो रास्ते को काट दिया? रास्ते को भी इन्होंने बीच से काट दिया आगे जाके। अच्छा अच्छा, तो अभी आप मौजूदा सरकार से जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम इसकी प्रशासन से मांग करना चाहते हैं जो इसमें सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी, मैट, सरपंच जो भी इंक्लूड है जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको इसका कड़ी से जो मिलनी चाहिए और गरीब लोगों का जिनका हक छीना गया है उनको इसका हक मिलना चाहिए। जी जी सर, क्या नाम आपका? आमीन खान जी। मेरा नाम आमीन भाई। इतनी तादाद में आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? ये 3 तारीख को ये काम होना तो नरेगा से चाहिए था जी, लेकिन अब कुछ लोगों ने मिली भगत करके और ये काम जेसीबी से करा दिया। अच्छा, तो उसमें क्या है, हमारा रोजगार छिन गया, हमें जो मजदूरी मिलती वो नहीं मिली है, और हम इसका ऑब्जेक्शन हमने किया है ऑब्जेक्शन, तो उसमें क्या है फिर वो लोग दादागिरी पे उतर आए। अच्छा। और दादागिरी करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही बांधेंगे हम इस सड़क को। अच्छा। है ना, जेसीबी से बांधेंगे, और फिर बाद में जब कहा सुनी हुई तो उन्होंने आगे से हमारा रास्ता और बिल्कुल रास्ता खत्म कर दिया, जो मेन रास्ता था गांव का। अच्छा, जो इसमें भी हमारी दादागिरी है वो काट दिया। मेन रास्ता उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छा। आप चल के देखो जी, बिल्कुल उसकी फोटोग्राफी करो कि दादागिरी है जो ये नहीं चलनी चाहिए, हमारी तो ये अनुरोध है। देखिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ गांव के ग्रामीण जुड़े थे, मजदूर जुड़े थे, उनका एक ही कहना है कि जब इस रास्ते में 3 तारीख को काम चला था तो उसके बावजूद हमने जब इसका विरोध किया तो जो जेसीबी का ड्राइवर था उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, वो बदतमीजी से हमारे साथ पेश आया। हमने उनसे बोला कि जो नरेगा का काम होता है गांव के जो बेरोजगार लोग हैं उनकी मजदूरी के लिए होता है, उनके गुजर बसर के लिए होता है, लेकिन दोस्तों उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उसके बावजूद जो गांव का मुख्य रास्ता है वो उन लोगों ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए गांव का जो मुख्य रास्ता था वो काट दिया। ऐसे में दोस्तों अभी हमारे साथ और भी गांव के जो लोग हैं वो जुड़े हैं, उनसे हम पूछताछ करेंगे, पूरी जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम हुरमत खां है। अच्छा। मैं पूर्व पंच भी रहा हूँ। अच्छा। और ये काम जो गरीबों को हक मिलना चाहिए था जी, जो गरीबों का हक छीना गया है, इससे हम बहुत गांव के लोग दुखी हैं, और ये रोजगार गरीबों को मिलना चाहिए, और ये अपनी दादागिरी से सरपंच ने और कुछ जयन और यहाँ के सेक्रेटरी वगैरह ने ये मिलकर और मिली भगत से ये जो करवाया गया, जो उनकी झोला में जाएगा पैसा जी, ग्रामीणों को, बेरोजगार जो ग्रामीण होते हैं जिनको मिलना चाहिए सरकार की योजना गरीबों के लिए, जो गरीबों का हक काटा जा रहा है, छीना जा रहा है, और इन दमंगों की जिनके पास काफी गवर्नमेंट तनख्वाह देते हैं उनकी झोली भरने के लिए, अपनी झोली भरने के लिए काम कर रहे हैं, ये सरासर हमारी गांव की जनता और पंचायत की जनता के संग अन्याय है। इस अन्याय को से हम दुखी होकर, और जब ये काम शुरू हुआ है गाँव वालों ने कहा है कि भाई जेसीबी से हो रहा है, ये कौन सी योजना के तहत? उनने कहा हम करेंगे साहब, पैसा हमारे पास आएगा हम करेंगे, तुम्हें तो काम चाहिए। नहीं, हमें ऐसे काम नहीं चाहिए, गरीबों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे पहले ही बेरोजगारी काफ़ी है, यहाँ के गरीब लोग हैं, SC के हैं, ST के हैं, और सभी जातियों के लोग हैं जो गरीबी की रेखा में आते हैं, ज़्यादातर हमारे BPL परिवार हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए था जी। तो सरपंच हुए, सेक्रेटरी हुए, इनको कहाँ का न्याय है?
जो ये अपनी झोली में, और हम प्रशासन के पास भी एसडीएम साहब के हमने परसों दरखास्त दिए, तो एसडीएम साहब ने उसमें कार्रवाई के लिए लिखा है, तो हम विकास अधिकारी से मिले। एसडीएम से आपने बातचीत की थी? हाँ, बातचीत की है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन किया है कि हम जांच कराते हैं। अच्छा। फिर हम विकास अधिकारी के पास गया कि साहब हमारी जांच होनी चाहिए और वास्तविक जांच होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से जांच होनी चाहिए, क्योंकि निशान मिटाए भी जा सकते हैं जेसीबी के। लेकिन आज तक विकास अधिकारी ने कहा हाँ मैं जांच करा रहा हूँ, तुरंत अभी कराओ, हम गलत हैं तो हमें गलत बताओ, जेसीबी से काम हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो आज तक हमारे पास ना कोई किसी तरह का, न कोई सरकारी यहाँ आदमी आया जांच के लिए, और दमन गांव चल रही है वहाँ तक प्रभाव है, उन लोगों का प्रभाव जमा रहे हैं, अपने प्रभाव से काम को करना चाहते हैं। जो जनता के संग अन्याय है, यह अन्याय नहीं होना चाहिए, रोजगार जनता को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, उनका हक और रोटी नहीं छीननी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो आपको आपकी स्क्रीन पर जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये कोई और रास्ता नहीं है बल्कि वही रास्ता है जिसके बारे में अभी कुछ ग्रामीण बात कर रहे थे, कि जब हमने जेसीबी ड्राइवर का विरोध किया और जो यहाँ पर वर्कर काम कर रहे थे नरेगा के, उनसे उनका विरोध किया, तो उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए इस रास्ते को यहाँ से कटवा दिया है, यानी कि इस रास्ते को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, एक तरफ तो जो गांव का मौजूदा सरपंच होता है, वर्तमान सरपंच होता है, वो गांव की तस्वीर को बदलने के लिए सरपंच बनाया जाता है, गांव के भविष्य के लिए सरपंच बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल जो सरपंच है, यानी कि शहद का ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, वो गांव रोणीजा पहाड़ में जिस तरह से कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, वो वाकई में बड़ा ही शर्मनाक है। दोस्तों, ऐसे में जिला प्रशासन, मौजूदा राजस्थान सरकार इस बारे में किस तरह से एक्शन लेती है, किस तरह से इसके ऊपर काम करती है, इस घड़ी का इंतजार आप सबको है, हम सबको है। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।